हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस देश में फैला हुआ है, उसकी वजह से जो लॉकडाउन था वो पहले 14 अप्रैल था, अब उसको बढ़ा के आज ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करके बताया कि वो लॉकडाउन अब 3 मई तक चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जो पूरे देश का जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक एक्सटेंड होने वाला है और वो हो चुका है। वो उन्होंने अपने एक स्पीच के थ्रू कन्फर्मेशन दे दिया है। इसी स्पीच में उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी ट्रैकिंग करनी है कि आपके आसपास के एरिया में किसी आदमी को कोरोना वायरस हो और आपको पता चल जाए ताकि उस हिसाब से आप प्रिकॉशंस ले सको, तो उसके लिए उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ऐप इंस्टॉल करना है और उस ऐप के क्या क्या एडवांटेज है, वो ऐप आपके फ़ोन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, तो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको बोलते हैं आरोग्य सेतु। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास के एरिया में अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित आदमी है, या हम कहीं जाते हैं और किसी आदमी के कांटेक्ट में आते हैं, अगर हमारे 6 मीटर के आसपास के एरिया में अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति आता है, तो इस ऐप के थ्रू हमें अलर्ट के थ्रू नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि हमारे आसपास कोई कोरोना में संक्रमित आदमी है। उसके साथ साथ इसमें एक टेस्ट भी होता है जिससे आप अपनी बॉडी का टेस्ट करके ये पता लगा सकते हो कि क्या आपको कोरोना के लक्षण है या नहीं है। अगर आपको कोरोना के लक्षण होंगे तो उस हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी और आपके इलाज की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल ऐप है, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इस ऐप के थ्रू आप कोरोना से, मतलब एक तरह से जैसे आप कोरोना में अलर्टनेस होती है कि किसी को फैला हुआ है, तो इस तरह से इसका पता लगा सकते हैं। ये ऐप दो चीज़ें यूज़ करता है। ये ऐप आपका ब्लूटूथ यूज़ करेगा, आपकी लोकेशन यूज़ करेगा, मतलब ये ऐप आपका इंटरनेट की इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं करने वाला है, ये आपका ब्लूटूथ यूज़ करेगा। और उसके साथ साथ आपका क्या यूज़ करेगा, लोकेशन का, आपको इसको आपका लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है और ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है। इस ऐप को इंटरनेट से इंस्टॉलेशन के टाइम चाहिए होगा, उसके बाद जरूरत होगी नहीं। इस ऐप में काफ़ी कुछ चीज़ें बता रखी है जो आप अगर फॉलो करते हो तो आप कोरोना से बचे रह सकते हो। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है आरोग्य सेतु। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आपके सामने ऐप आएगा। दोस्तों, पहले आप इस ऐप को वैलिडेट कर लेना कि ऑथेंटिकेट ऐप है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो रेटिंग है गूगल की, वो 4.6 है। उसके साथ 2.9 MB का इसका पूरा स्पेस है और ये इसको लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो ये है गवर्नमेंट का ऐप दोस्तों, इसको आप वेरीफाई कर लो कि इसका जो ऐप का नाम होगा वो होगा आरोग्य सेतु ऐप, AAROGYACSETU सेतु ऐप है। तो आपको करना क्या है, ये इंडियन गवर्नमेंट से लॉन्च्ड ऐप है, तो आपको इसमें देख सकते हो कि इसमें नाम आ रखा है NICEGOV.EGOV mobile app। दोस्तों, जब भी आप इस ऐप को इंस्टॉल करो तो याद रखो कि आप कोई फर्जी ऐप ना इंस्टॉल करो, तो इस ऐप का ध्यान रखना है आपको। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इस ऐप की पहचान क्या है। इसका नाम ही रहेगा आरोग्य सेतु, नीचे कंपनी का नाम रहेगा NICEGOV mobile apps नाम से रहेगा और लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड इस ऐप के हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इस ऐप के लिए इंस्टॉल का जो बटन है जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इंस्टॉल का बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करोगे तो ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आपको आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना है, तो आपको इसको ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको ओके प्रेस करोगे, ये ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 2.93 MB का ऐप है, तो एक ही मिनट के अंदर अंदर यह ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है तो आप इसको सीधा ओपन करके और इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है, तो जैसे ही इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे ओपन का बटन आएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसके ओपन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऐप के ओपन के बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, मराठी, जितनी लैंग्वेज है सारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपकी जो पसंदीदा लैंग्वेज है, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया। और उसके आपके बाद करना क्या है, आपको हिंदी सेलेक्ट करके इसके नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। जैसे आप इसके नेक्स्ट बटन पे प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कि उसमें लिखा है, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया, तो उस ऐप के लिए इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दे रखे हैं जो आपको
बता रखा है कि आपको करना क्या है। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल करना है, और जब भी आप इसको इंस्टॉल करो मेक श्योर कि आपका ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन हो। तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। आपको इंस्टॉल करना है, ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन करना है, और उसके लिए अपने दोस्त और परिवार के लोगों को आप आमंत्रित भी कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे वाले बटन को प्रेस करना है, तो उसमें साथ साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आपको कोई हेल्प होगी तो उसके लिए होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आप आगे जाओगे तो आपके सामने आएगा जिसके पता रजिस्टर करें नाम का बटन होगा, तो आप में इसको अपन रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे कुछ ही डिटेल मांगेगा, जैसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, उसके अलावा आपसे कुछ पूछेगा आपका मेल फीमेल क्या है, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन। साथ साथ इस ऐप में ये बताया गया है कि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लीक नहीं की जाएगी, ये इस ऐप में साफ साफ बताया गया। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करे वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके रजिस्टर करे वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो आ रखा है कि भाई आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल का लोकेशन ऑन रखना है, आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है, डेटा शेयरिंग, आपका डेटा भारत सरकार में किसी दूसरी चीज़ के माध्यम से शेयर नहीं किया जाता है, किसी दूसरी संस्था के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आपका डेटा मेंटेन रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो आपको करना क्या है, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ने हैं। जैसे ये तो लोकेशन का बता दिया, उसके बाद ये ब्लूटूथ का बता दिया, ये आपसे बोला गया कि आपका डेटा कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, और उसके बाद आपको मैं सहमत हूँ जो आपको लास्ट में बटन दिख रहा है, मैं सहमत हूँ इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे आपसे ये पूछेगा कि आपको आरोग्य सेतु ऐप को आपकी लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन देनी है, तो आपको क्या करना है, अलाउ बटन है ALOW, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आपको फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसकी परमिशन भी मांगेगा, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको अलाउ बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ बटन पे क्लिक करोगे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, यहाँ पे क्या करना है आपको अपना आपका जो भी फ़ोन नंबर है, जैसे आपका जैसे कुछ भी फ़ोन नंबर है, सपोज आपका ये फ़ोन नंबर है तो आपको वो फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालोगे तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे आपके पास एक OTP आएगा, आप उस OTP को डाल देना है और आपके सामने बताया जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखी लाइन का मतलब समझता है कि कोरोना संक्रमण का कम जोखिम है। इसका मतलब क्या है कि अभी आपके इस टाइम आपके 6 मीटर के एरिया में, आपके चारों तरफ के एरिया में, आपके आसपास कोई बंदा कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये ऐप जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है वो दो टेक्नोलॉजी होती है, ब्लूटूथ और लोकेशन। तो ये क्या करता है, ब्लूटूथ ऑन करके डेटा कलेक्ट करता है, लोकेशन से ये देखता है कि आपके 6 मीटर एरिया में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर अलर्ट आता रहता है। जैसे ही 6 मीटर के एरिया में कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपके सामने आएगा तो ऐप आपको बोल देगा कि आपके आसपास भी कोरोना संक्रमण का जोखिम ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन ले रखी है तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम है, तो ये आपके सामने यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे, इसके लिए आपको हमेशा अपना लोकेशन और अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना है। अगर आपको ये देखना है कि आपको कोरोना के लक्षण है या नहीं है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, मतलब खुद का टेस्ट अगर देखना चाहिए कि आप हो या नहीं, तो आपको ये टेस्ट देना होगा। तो इसको आपको करना क्या है, आपको इस बटन पे सेल्फ एक्सेस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी कि आपका जेंडर क्या है, तो सपोज मैंने यहाँ पे पुरुष अलग कर दिया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी आयु क्या है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 30 ईयर्स यहाँ पे एंटर कर दिया कि मेरी 30 साल की एज है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछता है। इसके बाद पूछता है कि आपको कोई कोरोना के मतलब कुछ भी लक्षण है, जैसे खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या इनमें से कोई नहीं, तो जैसे मैंने इनमें से कोई नहीं कर दिया है। उसी प्रकार से आपको पूछता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, जैसे मधुमेह हुआ, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी हुआ, उच्च रक्तदाब बहुत है, हाइपरटेंशन है, इनमें से है, तो इस पर आपको मैंने बोल दिया इनमें से कोई नहीं। फिर ये पूछता है कि आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है, जैसे मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं की है। तो उसके साथ से ये पूछता है कि आप क्या काम करते हो, जैसे कि आप हाल में ही किसी कोविड वाले बंदे से कांटेक्ट में आए हो, या आप कोई मेडिकल के बंदे हो, या इनमें से है, तो आप मैंने इनमें से कोई नहीं, तो उससे साथ आपको रिजल्ट बताता है। तो इसमें क्या करता है, ये आपसे अपना डेटा कलेक्ट करके ऐप दिखाता है। तो अगर आपको लगे कि बुखार है या कुछ हो नहीं, तो इस ऐप के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपको नॉर्मल बीमारी है या कोरोना से रिलेटेड कोई बीमारी है। तो लास्ट में ये आपको अपना रिजल्ट बताता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऐप है जिसको आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी कर सकते हो। इस पर शेयर ऐप पर डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर जो भी कोई होगा उसके थ्रू आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हो। और जैसे ही आपके एरिया में कोई बंदा आएगा 6 मीटर के एरिया में, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बोला है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल करें ताकि आप सब लोग अवेयर रहें, और जैसे ही कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आपके पास आए तो आपको पता लग जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।